किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से फायदा उठाने का घपला सामने आया है, जिसके कारण 2,23,00,000 रुपए की नकदी किसानों के खाते में चली गई है और ऐसे किसानों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं। खाते में डाली गई करोड़ों रुपए की राशि को वापस निकालने की कार्यविधि में कृषि विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। सोनीपत जिले में भी करीब 2,333 किसानों से रिकवरी की जाएगी। कई किसानों ने नोटिस मिलने के बाद कृषि विभाग में रिकवरी रकम जमा करानी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा लागू की गई थी, जिसके तहत किसान को हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। सरकार एक किस्त में 2,000 रुपए किसान के पास भेजती है। वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे किसानों का रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है, जिसके बाद उक्त किसानों से अब रिकवरी की जा रही है। आपको बता दें कि किसानों पर गलत जानकारी देकर लाभ उठाने का आरोप है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में अपात्र किसानों के पास 11,300 किश्त पहुंची है, जिसके माध्यम से 2,26,00,000 रुपए किसानों के खातों में गया है। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी किश्त रुक गई है, जो टैक्स पेयर नहीं है, परंतु रिटायरमेंट के दौरान या फिर किसी वक्त पर एक बार उनका टैक्स कटा है। ऐसे में किसानों को अब कृषि विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत टैक्स पेयर या फिर ऐसा किसान जिसकी किसी भी साधन से 10,000 रुपए पेंशन है, वह पात्र नहीं है। कागजों की जांच की जा रही है, उसके बाद लाभार्थी किसानों की रुकी किश्तों को शुरू कर दिया जाएगा।